नमस्कार, मैं योगाचार्य राजवीर सिंह चौहान आप सभी को नमन करता हूँ जो इस विकट घड़ी में अपने घरों में रुके हुए हैं, धैर्य बनाए हुए हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो देश की सेवा में इस समय लगे हुए हैं। कोरोना नामक वायरस आज हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जल्द ही इस पर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन इसके लिए अभी हमें आवश्यकता है सोशल डिस्टेंस बना के रखने का, क्योंकि ये वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। जितना हम लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे, ये वायरस अपने आप ही इस सृष्टि से, इस नेचर से दूर हो जाएगा। हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग इन दिनों में जो घरों में रुके हुए हैं, वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि हम लोग मेडिटेशन बताइए, क्योंकि हम लोगों का स्ट्रेस का लेवल, एंजाइटी या डिप्रेशन का लेवल बढ़ा हुआ है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को स्ट्रेस हो रखा है, डिप्रेशन हो रखा है, उन लोगों को मेडिटेशन के दुष्परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, आपके जो नेगेटिव थॉट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। थॉट, नेगेटिव थॉट दिमाग में आएंगे तो आपका डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस का लेवल बढ़ सकता है। लेकिन इससे पहले आपको आसन और प्राणायाम का आप अभ्यास करते हैं, फिर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपको इसके लाभ ही लाभ है मिलने लगेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि उज्जैयी प्राणायाम की स्टेज 1, 2 और 3 का अभ्यास करके हम लोग कैसे स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं घर पे। प्राणायाम करते समय सबसे जरूरी जो चीज़ है वो आपका बैठने का तरीका। प्राणायाम करते समय आपका जो स्पाइन है नेचुरल तरीके से स्ट्रेट होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैं एक ब्लस्टर के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर या पिलो के ऊपर आप लोग बैठ सकते हैं। मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ। अपने हिप सॉकेट को ब्लस्टर के ऊपर लगा के अपने दोनों नीज को जमीन की तरफ टच करके आप लोग इस तरीके में बैठ सकते हैं, गर्दन को नीचे झुका के। ये आपके बैठने का तरीका हो गया है। उज्जैयी प्राणायाम के स्टेज 1 का अभ्यास हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग सीधा बैठ, जैसे हम लोग सीधा बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे आपका चेस्ट में फैलने के कारण से आपका ब्रेथ ऑटोमेटिक डीप एंड लॉन्ग होगा। आपको सिर्फ उस पर ऑब्जर्वेशन करना है, सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करना है कि कैसे इनहेलेशन हो रहा है, कैसे एक्जलेशन हो रहा है, कैसे पूरक और रेचक हो रहा है, सिर्फ इसका अभ्यास करना है। आप चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को थोड़ा नीचे झुकाते हुए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपका पेट बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए, पेट नहीं फूलना चाहिए, सिर्फ चेस्ट में फैलाव होना चाहिए। 10 से 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती टाइम के अंदर, इनिशियल स्टेज में आप इसका अभ्यास 5 से 8 मिनट तक का इसका अभ्यास करें। इसके बाद हम लोग करेंगे स्टेज 2, सेकेंड स्टेज। इसके अंदर हम लोग रेचक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेचक को हम लोग लंबा करेंगे। हम लोग जैसे ही सांस को अंदर भरा, पूरक किया और रेचक को धीरे 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 अपने नियंत्रण करते हुए उसको धीरे धीरे रेचक करना है। इसके लिए सबसे पहले वही बैठने का तरीका, अपने दोनों हाथों को यहाँ कप टाइप में बना के उसको चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, गर्दन थोड़ा नीचे झुकाते हुए पूरा सांस को अंदर भरना है। हर एक राउंड के बाद में आपको 10 से 15 सेकंड का गेप देना है। सेकंड स्टेज के अंदर आप स्टार्टिंग के अंदर 8 से 10 राउंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा के आप 10 से 15 राउंड भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेज के अंदर आपने रेचक को लेंथ किया, रेचक को बढ़ाया। इसके बढ़ाने से आपको, जिन लोगों को रक्तचाप का बीमारी है, जिनको बोलते हैं हाइपरटेंशन, जिन लोगों को स्ट्रेस है, वो लोग इसका अभ्यास करेंगे तो उनको आराम मिलेगा। सेकेंड स्टेज हम लोग कंप्लीट करने के बाद के अंदर थर्ड स्टेज करेंगे। इस स्टेज के अंदर हम लोग पूरक को लंबा करेंगे, पूरक मतलब इनहेलेशन को, सांस को लेने को हम लोग नियंत्रण करेंगे, उसको गहन करना है। सेम उसी स्थिति में वापस बैठ जाइएगा, आराम से गर्दन को नीचे झुका के सांस को पहले थोड़ा सा एक्सहेल किया, सांस को बाहर निकाला, धीरे धीरे पूरक करेंगे।
से सांस को बाहर निकाल दीजिए। धीरे धीरे पूरा सांस खाली किया। थर्ड स्टेज में हम लोगों ने पूरक को गहन किया, पूरक को लंबा किया। इस अभ्यास को भी आप 8 से 10 राउंड आप इसका कर सकते हैं। हर राउंड के बाद में आपको 10 से 15 सेकंड का गैप लेना है। इसी अभ्यास को हम लोग लेट के भी कर सकते हैं। तीनों स्टेज को हम लोग लेट के कर सकते हैं। जो लोग बैठने में समर्थ नहीं है वो लोग इसको लेट के कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने दो ब्लस्टर लिया, एक पिलो नीचे लगाया, एक छोटा टाउल यहाँ रखा ताकि बीच में यहाँ लगाया इसको ताकि चेस्ट और एक्सपेंसिव हो सके। मैंने अपने पैरों को नियंत्रित करने के लिए इस पर वजन रखा है। इस स्थिति में आप लेट कर इन तीनों स्टेज का आप इसमें अभ्यास कर सकते हैं। इन तीनों स्टेज का आप घर पे अभ्यास करेंगे तो आपको मन को शांति मिलेगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, हाइपरटेंशन कम होगा, आपका बीपी का लेवल कंट्रोल में होगा। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो रही है घर पे अभ्यास करने में या कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं। नमस्कार।